लोकतंत्र के महापर्व को लेकर यहां प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड के 3 लोकसभा में आज वोट डाले जाएंगे। 20 मई है, अभी सुबह के 6 बजे हैं। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में आज मतदान है। सभी ईवीएम को सील कर लिया गया है। क्या तैयारी चल रही है मतदान को लेकर? तैयारी अच्छा है, व्यवस्था अच्छा चल रहा है। अभी मतदान कितने बजे से कितने बजे तक है? 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक मतदान की व्यवस्था की गई है और मतदाताओं के लिए सभी बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां पानी और छांव की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में यहां मतदान किए जाएंगे। चतरा लोकसभा के सिमरिया विधानसभा अभी क्षेत्र में हम हैं और सुबह 6:30 बजे तक सभी ईवीएम और अन्य मशीनों को संबंधित लोगों की उपस्थिति में सील किया जा चुका है। मॉक टेस्ट हो गया है। चिलचिलाती गर्मी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई व्यवस्थाएं की है। संबंधित बूथों पर व्हीलचेयर और सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के सबसे छोटे चरण के मतदान में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों की 49 सीटों पर आज 20 मई को वोटिंग होना है। इसमें झारखंड की 3 सीटें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा भी शामिल है। इन सीटों पर कुल 54 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। यह प्रक्रिया शाम 7 बजे तक चलेगी। इस समय तक जो भी वोटर लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। 3 संसदीय क्षेत्रों में कुल 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 58,34,618 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि के अनुसार पांचवें चरण में, जबकि झारखंड का यह दूसरा चरण है, मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी बूथ व्यवस्थित हैं। मतदान कर्मी अपने अपने बूथों पर पहुंच गए हैं। सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। झारखंड के सभी मतदान केंद्रों में CCTV लगाए गए हैं, जिससे बाहर और अंदर नज़र रखी जा सके। लातेहार और चतरा के लिए हेली ड्रॉपिंग की व्यवस्था की गई है। 148 मतदान कर्मियों और सेक्टर ऑफिसर को मतदान केंद्र तक भेजा गया है। निर्वाचन आयोग का फोकस अधिक से अधिक मतदान कराना है। 80% मतदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यवस्था किए गए हैं। कतार में मतदाताओं को परेशानी न हो, इसको लेकर कई स्थानों में पंडाल भी बनाए गए हैं। झारखंड के 3 संसदीय सीटों में से चतरा में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में है, जबकि कोडरमा में 15 और हजारीबाग में 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन प्रत्याशियों का फैसला आज मतदान के बाद होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर मतदान केंद्र में 4D कैमरे लगाए गए हैं। गड़बड़ी पर निर्वाचन आयोग की विशेष निगाह है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही हर गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है।